चलिए दोस्तों, हम लोगों का चल रहा था एवरेज। एवरेज हम आपको तीन क्लास दे चुके हैं बेटा, ये आपकी चौथी क्लास रहेगी, ठीक है ना। और हम लोग एवरेज स्टार्ट किए थे तो उसका कॉन्सेप्ट हम आपको पहले से ही समझा चुके हैं, हम किस कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलो तो इस वीडियो का पहला सवाल, सवाल आपको बेटा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग सवाल पढ़िए उसके बाद आगे बात करते हैं। सवाल कह रहा, यदि 10 संख्याओं का औसत 25 हो तथा अन्य 5 संख्याओं का औसत 37 हो तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। यदि 10 संख्याओं का औसत 25 हो तथा अन्य 5 संख्याओं का औसत 37 हो तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बेटा, सवाल में कह रहा था कि संख्याएं 10 है, 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 25, 10 संख्याओं का औसत 25 है। अगर 10 का औसत 25 है तो यहां से हम योग के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते, माने टोटल कैलकुलेशन जो है वो हम लोग योग पे सॉल्व करते तो 10 संख्या है, एवरेज 25 है, इसका मतलब योग बना बेटा 250, योग हो गया 250, ठीक है ना। और आगे कह रहा है तथा अन्य 5 संख्याओं का औसत, आगे की 5 संख्या और ले ली, इन 5 संख्याओं का जो औसत है वो है 37, 37, 5 का औसत 37 है तो फिर योग क्या बनेगा 5 का, तो 5 सत्ते 35, 5 बचा 3 हो गए, 5 दिया 15, 3 18, 185, 185, ठीक है। 10 संख्या ये बेटा और 5 ये है तो टोटल संख्या होगी 15, टोटल कितनी होगी 15 संख्या होगी। 15 का जो योग है, 15 संख्याओं का योग है कितना हो जाएगा, यहां से टोटल कर देते हैं, 5 8 5 13 13 हासिल लगा, 1 2 3 1 4, तो योग बना 435। 15 संख्याओं का योग 435 है, अगर 15 संख्याओं का योग 435 है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, आप योग निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं, सॉरी औसत निकाल सकते हैं, 435 बटे 15, 15 से भाग कर देते हैं। अगर आप 15 से भाग करोगे तो 15 दुने 30 बचे 13, 135, 15 नम्बर 135, एवरेज बनेगा बेटा 29। सभी संख्याओं का जो एवरेज हो गया वो है 29, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट तो हम योग पर सॉल्व कर रहे हैं, हम अगर योग ना करते तो हम लोग इसे औसत पर ही सॉल्व कर सकते थे, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। हमने आपको जो फर्स्ट वीडियो पढ़ाया वो यही कॉन्सेप्ट जो आप सेकंड बताने जा रहे हैं आपको, कि आप गुणा ना करते, इतनी कैलकुलेशन ना करते, मान लो संख्या ज्यादा होती, अगर इसकी 67 होती, यहाँ 68 होती, मैंने गुणा अगर ज्यादा करना पड़ता आपको तो फिर आपके लिए एक समस्या खड़ी होती। तो हम उस कैलकुलेशन को कोशिश करते हैं कि आप एवरेज पर ही सॉल्व करें। देखिए जैसे मान लीजिए संख्या पहले 10 है, 10 संख्याओं का जो औसत है वो 25, ठीक है। और उसके बाद 5 संख्याएं और हैं जिनका औसत क्या है, औसत है 37, ठीक है। अब सवाल आपसे पूछ रहा है तो बताइए टोटल, अगर 10 ये और 5 ये, टोटल 15 संख्याओं का एवरेज पूछा जाए, मतलब 15 संख्याओं का जो एवरेज है वो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम 15 संख्या सॉरी 10 संख्याओं की बात करें, 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 25 और 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 37, माने 10 संख्याओं के एवरेज से 5 संख्याओं का एवरेज है वो प्लस है। कितना प्लस है, तो आप यहां से देख रहे हैं कि 12 प्लस है, ठीक है। इन संख्याओं का, 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 12 प्लस है, 12 प्लस है। अगर 5 संख्याओं में, 5 संख्याओं में 12 प्लस है तो इसका मतलब 12 पंचे 60 प्लस है, और 60 को अगर हम 15 संख्या में डिवाइड करें तो प्रति संख्या में हर संख्या में 4 प्लस होगा, क्योंकि हमें टोटल इन देखो 10 संख्याओं का एवरेज 25 है और 5 संख्याओं का एवरेज 35 है, तो माने 25 तो है ही इनका 5 का, उससे 12 एक्स्ट्रा है। तो अगर 5 संख्या में 12 एक्स्ट्रा है और ये टोटल 15 संख्या में डिवाइड करेंगे तो 15 संख्या में 12 पंचे 60, माने 5 संख्या में 12 पंचे 60, तो 15 संख्या में 60 को 15 संख्या में डिवाइड करो तो हर संख्या में 4 प्लस होगा। इसी को हम आपको कल भी बताया और पहला वीडियो जो पढ़ाया है वो इसी कॉन्सेप्ट पे, कि जब 5 संख्या में 12 प्लस है तो इन 15 संख्या में कितना प्लस होगा, ठीक है। तो इन्हें इस तरह से कंपेयर कर देते हैं, अगर 15 5 या 15 अगर हम इसे काट देते हैं, 1:2 हो गया, 1:3 हो गया, 1:3 हो गया, 1 और 3 है
तो इसे भी एक और तीन बनाना है। तो यहाँ पे जब 12 है तो यहाँ 4 होगा, मतलब अगर यहाँ 12 प्लस है तो यहाँ 4 प्लस होगा। अगर आप इस एवरेज से 4 प्लस करोगे तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। तो इन संख्याओं का जो एवरेज है वो 29 होगा। ठीक है, बात आ गई मेरी समझ में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोग, सवाल पढ़िए। ठीक है, सवाल पढ़िए तब तक फिर बात करते हैं आपसे। देखिए सवाल कह रहा है, एक परिवार के माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार के माता और पिता की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, पिता माता तथा उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है ये बोला है। तो अब पहले तो माता पिता दो लोग हैं, फिर माता पिता और पुत्र है। अगर माता पिता पुत्र है तो फिर तीन लोग हो गए परिवार में। तीन लोगों की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष, तो योग कितना बना 27 81 वर्ष हो गए। इन तीन लोगों का जो योग है वो 81 वर्ष है। अब कह रहा था नहीं, इनमें से जो माता पिता पहले दो लोग थे उनका जो औसत है वो 35 वर्ष है। इसका मतलब 35 × 70 वर्ष है। माता पिता दो लोग हैं तो 70 वर्ष है योग, जबकि माता पिता और पुत्र तीन लोग हैं तो योग 81 वर्ष है। इसका मतलब अगर माता पिता और पुत्र के योग में से, इस योग में से अगर माता और पिता का योग माइनस कर दोगे तो केवल पुत्र बचेगा। तो यहां से पुत्र की आयु आ जाएगी कितनी बेटा, 81 में से माइनस कर दो तो बचेगा कितना 11। तो आंसर हो गया 11 बेटा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को जैसे हम आपको सेकंड बता रहे हैं, उसपे कैलकुलेशन कम होती है, हो सकता है आपको थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ रहा हो, आपको लग रहा हो नहीं एकदम से ये आसान है, क्योंकि ये सब करना जो है ना कैलकुलेशन बहुत गुणा करना पड़ता है आपको, तो उससे मतलब बच जाए हम, गुणा कैलकुलेशन कम करें, और कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो गलतियां संभावना ज्यादा होती है, गलतियां ज्यादा हो सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग कम कैलकुलेशन कम गुणा उड़ा करें, बस सोचना ज्यादा पड़ सकता है। देखिए दोबारा बताते हैं इसे, आप ऐसे कर सकते हैं, तीन संख्या पहले परिवार में तीन लोग हैं, मतलब सॉरी पहले माता पिता बाद में बच्चा भी, तो माता पिता और एक पुत्र, तीन लोग हैं, तीन लोगों का जो औसत है वो है 27 वर्ष। माता पिता और पुत्र का जो औसत है वो है 27 वर्ष। ठीक है, और उसी में माता पिता की बात करें सिर्फ तो औसत है 35 वर्ष। अब आप देख रहे हैं जब तीन लोग थे माता पिता और पुत्र, तीनों का औसत 27 है और माता पिता का औसत 35 है, तो फिर एक माता पिता के बाद एक बच्चा है एक पुत्र है, उसका औसत उसकी आयु पूछी आपसे, तो यहाँ देखो सबका औसत है कितना 27, जबकि माता पिता का कितना 35, माने सबके औसत से माता पिता कितने प्लस कर रहे हैं तो 8 वर्ष प्लस कर रहे हैं, माता पिता का 8 प्लस है। अगर दो संख्याओं में 8 की वृद्धि है तो इस एक संख्या में कमी आई होगी, कितने की, तो आप कैसे कंपेयर करोगे 8 प्लस है और एवरेज 8 प्लस है तो दो लोगों में 16 प्लस है, अगर दो लोगों में 16 प्लस है तो यहाँ आपको 16 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर पाए तो सीधे इस तरह से कंपेयर कर दो, बताया आपको 1 से 8 8 गुना है तो 2 से 8 गुना यहाँ कर दो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, कमी होगी 16 की, 27 से 16 माइनस कर दो बेटा बचेगा 11। इसका मतलब बच्चे की जो उम्र है पुत्र की जो आयु है वो 11 वर्ष है। ठीक है, आगे आओगे समझ में, अगर आपको समझ में आ रहा है और कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, सवाल जो हम आपको दे रहे हैं अगर वो ठीक पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं और औसत आयु है 15 वर्ष, औसत है 15 वर्ष। ठीक है, 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत मान लो 10 लड़के और आ गए तो कक्षा में हो गए 50 लोग। ठीक है, और 50 हो गए तो औसत आयु पे क्या फर्क पड़ा, बोलो औसत आयु हो गई है 15.2 दो वर्ष की वृद्धि, 0.2 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अगर 0.2 की वृद्धि हो जाती है तो औसत हो जाएगा 15.2, टोटल पहले थे 40 पर 10 और आ गए। ठीक है, तो 10 और आ गए तो एवरेज हो गया, तो टोटल हो गए 50 थे 40 नहीं 10 नए और आए, तो सवाल करा इन नए वालों का औसत क्या है, तो अभी आप कर रहे थे, आप या तो इनका योग कर सकते हैं, इनका योग कर लो फिर माइनस कर दो बचेगा इनका योग। अगर इससे बचना है तो हम आपको यही सिखा रहे हैं, आप देखो 50 लोग हैं औसत कितना है 15.2 और ये 40 लोग हैं
इनके और सबके औसत से ये औसत कितना कम है, तो आपको ये तो सर 0.2 कम है, माइनस 0.2 माइनस है, 0.2 कम है। अगर ये 0.2 कम है तो कंफर्म है कि ये जो औसत है 10 लोगों का ये प्लस होगा जितना भी हो, क्योंकि इनमें कमी आई है। एवरेज का मतलब है सबको लेवल कर, सबको बराबर करा, अगर सब बराबर कर रहे हैं इनमें अगर कमी आई है तो इनमें प्लस हुआ होगा, वृद्धि हुई होगी। अब कितनी वृद्धि हुई ये बात हम यहां समझते हैं कि अगर इन 40 संख्याओं में 0.2 की कमी है तो यहां फिर कंफर्म है वृद्धि। कैसे कंपेयर करोगे, कैसे बताओगे कितनी वृद्धि होगी, तो आप यहां इसके साथ इसे कंपेयर कर दो और इसके साथ इसे कंपेयर कर दो, ठीक है ना। अगर आप इन्हें कंपेयर कर रहे हैं तब आपको कोई दिक्कत आ रही, देखो अब कैसे आप इसे, अगर आपको दिक्कत आ रही है गुणा नहीं कर पा रहे हैं आप तो आप आपके साथ प्रॉब्लम है। फिर अगर आप गुणा नहीं कर, मान ली गुणा करके कर देते हैं कि 40 का गुणा 0.2 में करोगे 4 दूनी 8 हो गया, अगर यहां 8 माइनस है तो यहां 8 प्लस होगा, अगर 10 संख्याओं में 8 प्लस है इसका मतलब 0.8 आपको प्लस करना है, 0.8 प्लस करोगे इसका मतलब एवरेज बनेगा 16, जो 10 लोग हैं उनका औसत कितना होगा 16 होगा, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना आपको। आप इसके साथ इसे कंपेयर कर दो, चाहो तो इसे रेशियो बना सकते हैं 1 और 4, अगर 1 = 0.2 है तो 4 = 0.8 होगा, 1 × 2 = 2 होता है तो 4 × 2 = 8 होगा, 1 से 0.2 है तो 4 से 0.8 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे को समझ में, कोशिश कर रहे हैं आप इसी मेथड से लगा, क्योंकि अगर आप गुणा कर रहे हैं तो सब गुणा कर रहे हैं, फिर आप स्पेशल क्या कर रहे हैं, कैसे समय मैनेज कर रहे हैं, कैसे कम समय लगे आपसे, तो आपको ध्यान रखना थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो आप गुणा कर लेंगे इसका, फिर इसका गुणा कर देंगे माइनस कर दो इनका योग आ जाएगा औसत निकाल लेंगे, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, नेक्स्ट। ए बी तथा सी की औसत आयु 25 वर्ष है, सॉरी 20 वर्ष है, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है, आप अगर गुणा करके सॉल्व कर रहे हैं ना, योग से सॉल्व कर रहे हैं तब भी कर लेंगे। ए बी सी तीन लोग हैं, ए है बी है और सी है, ये तीन लोग हैं, अगर इन तीन लोगों का हम योग निकालें तो लोग 3 है और एवरेज कितना है 20 है, तो 20 है तो कितना बना 60, ठीक है। अब कह रहा है इनमें से ए और बी की बात करें, ए बी की बात करें, ए बी का योग तो ए बी 2 लोग हैं और एवरेज कितना है 19, तो 19 दोनों हो गया 38, तो आप बताइए आप ए बी की बात, ए बी का योग 38 है और ए बी सी का योग 60 है, अगर आपने ए बी सी में से ए बी काटा दे तो सी का रह जाएगा, तो सी की आयु पूछे आपसे, सी की आयु कितनी होगी, तो आप माइनस कर देते हैं यहां से, माइनस कर दोगे 22 वर्ष आंसर आपका, 22 वर्ष है सी की आयु, ठीक है। आगे बात समझो, अब आप सेकंड हम आपसे कह रहे हैं कि आप कोशिश करो इस वाले को समझ जाओ, ये बिल्कुल आसान है। पहले ए बी सी तीन लोग हैं, औसत आयु 20 वर्ष है, तीन की औसत आयु 20 वर्ष है, उसके बाद कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, दो लोग हैं तो औसत आयु कितनी है, बोले औसत आयु 19 वर्ष है, ठीक है। अब दो लोग ये हैं, तीन ये हैं, तो एक लोग बचा, एक कौन है वो सी है, ये कौन कौन है ए बी सी, ए बी सी तीनों, ये कौन है ए और बी दो लोग और ये एक अकेला सी, तो सी की आयु क्या होगी आपसे पूछ रहा है। अब आप देखो ध्यान से कि जब ए बी सी तीन लोग हैं तो औसत 20 और जब दो लोग हैं तो औसत 19, इसका मतलब इन तीन लोगों के औसत से ये वाला औसत कितना कम है, तो आपको सर 1 माइनस है 1 माइनस है, अगर यहां 1 माइनस है तो निश्चित है यहां पे प्लस होगा, तब ये एवरेज बराबर रहता, सबको बराबर करना, जिसमें प्लस है उसे कम करना है, जिसमें कम है उसे प्लस करना, लेवल इक्वल करना होता, बराबर करना होता, ठीक है। अब कैसे कंपेयर करोगे, तो अगर दो संख्या में 1 माइनस है तो 2 × 1 = 2 माइनस हुआ तो यहाँ 2 प्लस होगा, ऐसे कर लेते हैं, अगर ऐसे दिक्कत आती है तो कंपेयर कर लेते हैं, 1 1 के बराबर है तो 2 2 के बराबर होगा, 2 प्लस कर दो, 20 से 2 प्लस कर दो आ जाएगा 22 आंसर, ठीक है। मैंने जो सी की आयु है वो 22 है, अब बताइए कोई दिक्कत हो अगर आपको तो, समझ गए होंगे मेरी बात। नेक्स्ट बेटा देखो एक और सवाल की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखिए सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सवाल नेक्स्ट बात करते हैं, पांचवा सवाल है, एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, कक्षा में 80 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है, तो हम पहले योग से ही सॉल्व करते हैं बेटा, योग का कॉन्सेप्ट पहले देखो,
80 बच्चे हैं और औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। इनमें से 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है, इन 80 में से 15 हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद तथा दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु, दूसरे कोई 25 बच्चे हैं उनकी औसत आयु कितनी है, बोले उनकी औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। अब कह रहे कक्षा के शेष तो बचे कितने बेटा, टोटल थे 80, 15 और 25 हो गए 40, तो बचे 40 और, ठीक है ना। तो इन 40 का योग क्या आएगा और उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए जब 80 लड़के थे, औसत 15 है, तो 15 अट्ठे 120 माने 1200 हो गया ये, ठीक है। औसत आयु जो है ना वो 15 थी 80 की, तो गुणा कर दिया तो टोटल योग आ गया 1200 वर्ष बना है 80 लोगों की आयु का योग, ठीक है। अब इन 80 लोगों में 15 लोग हैं, इनका एवरेज 16 है, तो फिर योग क्या बनेगा, अब गुणा कर दें इनका 16 बच्चे 80 जीरो बच्चे 8 हो गया, 16 8 24 240 हो गया। माने जो 15 लोग हैं इनकी जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है उनकी आयु का जो योग है वो 240 वर्ष है, ठीक है। नेक्स्ट अब कह रहा 25 लोग और हैं अन्य, उनकी औसत आयु कितनी है 14 है, तो जब इनकी औसत आयु 14 है तो फिर इनका योग क्या बनेगा, 14 25 70 07 बचा 14 2 28 और 7 हो गए 35, ठीक है। तो ये हो गया इनका योग। अब देखो आप ध्यान से, अगर ये 15 और 25 इन लोगों की बात करें तो ये 40 लोग हो गए, 40 लोग हो गए, और 40 का कुल योग देखो आप ध्यान से, तो 40 का योग कितना हो गया, इन 40 लोग ये वाले हटा देते हैं जो शेष बच्चे, पहले इनकी बात कर लेते हैं, 15 25 40 लोग और योग देखो बेटा 0 5 4 9 5 2 3 2 5 हो गया 5, ठीक है ना। तो योग है 590, इन 40 लोगों का जो योग है वो 590 है। अब जब 40 का योग 590, बच्चे थे कितने क्लास में कक्षा में, वो है 80, 80 का योग कितना 1200 और 40 का योग कितना 590, तो जो शेष है जो शेष बचे ना शेष 40 का जो योग है वो कितना आएगा, तो शेष 40 का कहां से निकाल लेते हैं, जब 80 का योग बेटा ये लिखा है और 40 का ये आ गया तो माइनस कर देते हैं। अब 1200 में से 590 माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना 610, क्या होगा औसत क्या होगा, तो औसत बराबर क्या होता है बेटा 610 बटे 40, 0 0 कैंसिल करेंगे, 4 का भाग कर दो, 4 1 4 हो गया बेटा 4 5 20 हो गया, और यहाँ बचे थे 4 2 8 4 5 20 आ जाएगा बेटा 15.25 15.25। अब आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपने गुणा किया फिर योग किया उसके बाद फिर उसे सॉल्व किया, ठीक है ना। इस चीज को आप कम कैलकुलेशन करें और जल्दी सवाल हो उसके लिए आपको हम ये सेकंड मेथड आपको सिखा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप बेटा तो बहुत इजी है, आराम से समझ पाएंगे। देखो 80 लोग हैं, 80 बच्चे हैं, औसत आयु 15 है, ठीक है। इन 80 में से कोई 15 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 16 है, ठीक है। और उसके बाद 25 लोग हैं, इनकी औसत आयु 14 है, ठीक है। और अब बचे कितने शेष, तो वो है 40, बोले इनकी कितनी होगी आपको ये बताना है, ठीक है ना। इन 40 की कितनी होगी ये बताना है आपको, बिल्कुल आसान। आप ध्यान से देखिए बेटा, टोटल जो है ना टोटल 80 लोग हैं, इनका एवरेज क्या है 15 है, इनका एवरेज 15 है। अब बताइए सबके एवरेज से ये एवरेज, इन 15 का एवरेज कितना प्लस है, तो यहां कहोगे आप सर 1 प्लस है, ठीक है 1 प्लस है यहां पे। अच्छा बताइए इनमें क्या स्थिति है 25 लोगों में, आपको सर यहां 1 माइनस है, यहां 1 माइनस है, ठीक है। तो जब 15 लोगों में 1-1 प्लस है तो 15 प्लस हो गया, और 25 लोगों में 1-1 माइनस है, इसका मतलब 25 माइनस हो गया, तो प्लस का 15 है और माइनस का 25 है। अच्छा ये बताइए अगर 15 संख्याओं का 1-1 माइनस प्लस वाला हटा भी देते हैं तब भी इन संख्याओं में 10 संख्याओं में 1-1 माइनस होगा, ये तो आप कह ही सकते हैं। कितने लोग मेरी बात समझ गए होंगे तो कमेंट करें प्लीज। देखिए 15 संख्याओं का औसत 16 है, तो 15 संख्याओं में 1-1 प्लस है, जबकि 25 संख्याओं का औसत 14 है, तो इन 25 संख्याओं में कितना माइनस है, तो 1-1 माइनस है। तो अगर 25 में 1-1 माइनस है और 15 में 1-1 प्लस है, तो 15 का 1-1 प्लस अगर 25 के 1-1 माइनस से माइनस करें हम, तो 10 संख्याओं में फिर भी माइनस 1 बचेगा। तो अगर 10 संख्याओं में माइनस 1 है, 10 संख्याओं में माइनस 1 है, तो फिर इन 40 संख्याओं में कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा आपको, कंफर्म। अब कितना प्लस करोगे इस बात को हम समझते हैं बेटा, ध्यान से देखिए।
इसे हमने आपको इधर से सिखा दिया था, आप इधर से कंपेयर कर लो, 10 संख्याओं में एक एक माइनस है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं टोटल सर 10 माइनस का है, अगर 10 माइनस का है तो यहाँ 10 प्लस का होगा, अगर आप 40 संख्याओं में 10 प्लस करोगे बेटा तो आप कहोगे सर प्रति संख्या में 0.25 प्लस होगा, आप ऐसे ही कह सकते हैं। तो अगर आप 15 में 2.5 प्लस कर देंगे तो 15.25 हो जाएगा, या तो आप इस तरह का गुणा कर दो, नहीं तो आप, हमने आपको सीधी कैलकुलेशन बता दी, आप सीधे कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, ये कन्फर्म है कि यहाँ माइनस है, अगर इन 10 संख्याओं में एक माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, कितना, इसे आप लिख सकते हैं 1:4। अगर यहां देखो 4 को 1 से कंपेयर करो तो 1/4 हो गया, ये तो 1 का 1/4 कर दो बेटा, 0.25 हो गया, ये माइनस ये प्लस होगा, इस एवरेज से ये प्लस है। अगर आप यहां 15 में ये प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 15.25। आगे बात समझ में, चलिए आगे देखिए बेटा, एक और सवाल करवाते हैं आपको, ठीक है, और कोशिश कीजिए आप हमें समझ रहे हैं कि, ठीक है, हो सकता है आपको लग रहा है फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट्स पे, या तो समय तो आपको समझने में लग रहा होगा, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान, आपको कहाँ गुणा करें, केवल यही समझना है कि 1 + 1- क्या करना है, माइनस है प्लस, नहीं तो गुणा करना बहुत कठिन लगता है, गुणा में आपकी गलतियां स्वाभाविक, कहीं ना कहीं आप गलत करते हैं गुणा, तो वहां आपको गुणा बहुत नहीं करना है, केवल ये चीज दिमाग में, कब प्लस करना है कितना माइनस करना है। एवरेज है और एवरेज को हम समझते हैं अच्छे से, एवरेज का मतलब है कुछ संख्याओं में जितना कम किया गया होगा उतना ही अन्य संख्याओं में प्लस किया होगा, तब सबको लेवल किया होगा, सबको बराबर किया होगा, बस बराबर ही हम कर रहे हैं। यहाँ 15 प्लस है, यहाँ माइनस 25 है, अब माइनस के 25 में से अगर आप 15 संख्या में एक एक माइनस प्लस कर रहे हैं तो अभी माइनस की 10 संख्याएं और बचेंगी, तो जब 10 संख्या में माइनस बने तो जो बची संख्या ना 40 उनमें प्लस होगा, कितना होगा, तो कंपेयर कर दिया कि अगर 10 में एक एक माइनस है तो 40 में एक एक कमी, 40 में 10 कमी आएगी, तो कह सकते हैं 0.25 आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे मेरी बात समझ में, चलिए एक और लास्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट बेटा सवाल पढ़िए, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, सवाल पढ़िए फिर बात करते हैं आपसे, बिल्कुल आसान है मैथ, एकदम से आपको खुद पे भरोसा रखना है ना, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, नहीं हाँ मुझे एकदम से सही कर रहा हूँ, और सवाल पढ़ने कैलकुलेशन में जितना तेज कर सकते हैं उतना तेज करेंगे हम, ठीक है, सवाल पढ़ने में बिल्कुल जल्दबाजी, सवाल पूरे पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पूरे ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। देखिए एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है, तथा 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए, टोटल बताना है आपको, ठीक है। तो हम लोग फिर से बनना पहले योग पे सॉल्व करते हैं, फिर दोबारा उसको दूसरे कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको, 30 लोग हैं, औसत आयु 20 वर्ष है, सॉरी औसत आयु 16 वर्ष है, तो अगर औसत आयु 16 वर्ष है तो 16 × 48 480 हो गया इनका योग। अब सवाल कह रहे हैं कि नहीं, उसके बाद अगले और 20 लोग हैं, 20 का औसत कितना बेटा 14 है, तो योग कितना बना, तो 14 × 28 280 हो गया, यहां से सबको जोड़ देते हैं बेटा, तो अगर 30 और 20 50 लोगों की बात करेंगे तो 50 का योग कितना बना, 50 का योग, तो आप देख लेते हैं यहां से 50 का योग कितना होगा, 8 × 8 = 84 लगी 1 × 4 = 2 6 और 1 = 7, 50 का योग है 760। आपसे पूछ रहा है आप एवरेज बताइए औसत बताइए, तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यहां से कैंसिल कर दो बेटा, 5 से भाग कर दो, 5 से भाग करोगे आप, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 10 हो गया बेटा 15.2 एवरेज हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, इसका ऑप्शन ए सही है। 30 संख्या है और एवरेज 16 है, ठीक है ना, और उसके बाद 20 संख्या है, इनमें एवरेज कितना है बेटा 14 है, तो सभी 50 का क्या होगा ये पूछा आपसे, तो यहाँ देखो 30 के अगर आपका एवरेज आपने 30 मान लिया तो 30 से ये कितना कम है, तो यहाँ 2 कम है, तो यहाँ अब इसी कमी को अगर सब में बांटना है तो इनमें कितनी 50 संख्या में कितनी कितनी कमी आएगी, तो देखो बेटा 50 में कितना कितना कम आएगा, एकदम से आसान कोशिश करो आप समझ रहे कि कितना कम आएगा। यहां से देखो अगर ये 50 की कमी है और अब सॉरी माइनस 2 है, 2 की कमी है, 20 संख्या में 2 कम है, तो ये 50 संख्या में कितना कम होगा, यहां कितना कम होगा, इसके बराबर कंपेयर कर दो, करिए जल्दी से कंपेयर, बताते हैं आपको अगर आप मेरी बात समझ गए तो, ठीक है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो बताइए कितना माइनस करना चाहिए। अब इसके बराबर ये कंपेयर कर रहे हैं, इसके बराबर इसे कंपेयर कर रहे हैं,
तो आप यहाँ भी इसे कंपेयर कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बताइए क्या दिक्कत है। अगर आपने मान लो ये करेक्शन नहीं कर पा रहे आप थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये दो है ये पांच है, ठीक है। अब ये दो से पांच हो गया, दो से पांच हो गया, तो इधर दो से पांच करो। अब यहाँ दो है तो यहाँ कितना आना चाहिए ये आपको समझना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट एट, पॉइंट एट कर दो, ठीक है ना। यहां से आप पॉइंट एट माइनस कर दो, पॉइंट एट माइनस करोगे ये 15.2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। आ गया सब लोगों समझ में? अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।